16 दिसंबर 2017 ये लड़की हमें छोड़ के चली गई थी और ये तब से लापता है। और अब हमने मिलके एक तरीक स्टार्ट किया जिसका नाम है तरीके से लेगी। और मैं दावा देता हूँ अपने बहन भाइयों को कि वो मिलके इस तरीक में शामिल हों और आगे देखें होता है क्या। कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से। किस तरह हमारी 9 साल की दोस्ती स्टार्ट हुई? आई वॉज सिटिंग इन द कैफेटेरिया, ही केम विद अ बॉटल ऑफ लेमन मॉल्ट एंड ही इज लाइक ये लो ये पीनी है लेमन मॉल्ट। नीचे कैफे आया हूँ, कैफे के स्टेप्स में खातून बैठी है, मैंने उस वक्त तो देखा नहीं, लेमन मॉल्ट लिया, मैंने देखा, मैंने कहा बहुत अफसरदा बैठी, मैंने कहा चलो कुछ पूछ लेते हैं। And I said कि अच्छा ठीक है दे रहे हैं तो दे लेती हूँ, और ले ली। और उसने कहा, उसने भी कुछ नहीं सोचा, उसने भी कहा हाँ ठीक है, उसने शायद उसके पेरेंट्स ने उसको कहा नहीं था कि डोंट टेक कैंडी फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। थोड़ी देर बाद आया और पूरा गुआवा का 1 लीटर का पैक लेकर आके साथ बैठ गया। मैं वापस गया कैफे, उससे कहा कि लेमन मॉल्ट एक और दे दे, कहता सर खत्म है। मैं कह यार जूस दे दे, कहता सर वो भी नहीं। मैं कह यार फिर क्या पड़ा, कहता है बड़ा डब्बा है। फिर बड़ा डब्बा लेके आया जूस का, पहले थोड़ा वेट भी लगा कि अगर उसने पीना ही था तो थोड़ा सा जूस ले आता, वाई 1 लीटर पैक, और वो साथ बैठा रहा। दैट्स हाउ वी मेट। जब मस्जिद पहुंचे थे ना, जब मैं पहुंचा मस्जिद तो उस वक्त बाहर तो मुझे कोई खास फर्क नहीं नजर आ रहा था, अंदर जाके ना थोड़ा सा बैठना शुरू हो गया कि ये क्या हो रहा है। फिर जब बैठे ना, जब उसने साइन जब पूछना शुरू किया, साइन करा रहा था, उस वक्त उसने जब मेरे से पूछा ना हाँ भाई क्या ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे साइन कर दें, एक साइन करके मैं बैठ गया। मुझे देख रहा है, मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, कहता भाई और साइन करने होते हैं। मैंने कहा अच्छा सॉरी, क्योंकि मेरे जहन में उस वक्त बंद हो गया था, मेरा जहन में समझ नहीं आ रही मैं ये हो रहा है, दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग आफ्टर 9 years। हंसी आ रही थी क्योंकि मेरे खालू ने गलत नाम ले लिया था, पहली दफा उन्होंने एबी के बजाय एबी के अब्बा का नाम ले दिया था, तो आई हैड टू करेक्ट हिम। लेकिन आई करेक्टेड हिम, और दोबारा जब उन्होंने बोला तो फिर मुझे उस टाइम पे कम्प्लीटली हंसी आई थी, फीलिंग तब तक नहीं आई थी। लेकिन जब मुबारकबाद देने शुरू हुए ना लोग, उस वक्त पता नहीं क्यों, उस वक्त भर गया, आंखें भर गई, मैं क्या पता नहीं मैं गया, मैंने भी रोना शुरू कर देना, बेगम रोए ना रोए मैंने रोना शुरू कर देना। एबी ने कोई 7 साल पहले भी एक दफ़ा मुझे एक रैंडम सा प्रपोज किया था, लेकिन मैंने एक आध दफ़ा पूछा था इसको कि हाँ जी क्या कहते हैं लड़का अच्छा मान जो, उसने कहा था मुझे तुम अच्छी लगती हो और मैं घर बता दूँ, तो मैंने कहा था कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो शादी करने के बारे में सोचना भी नहीं है अभी। उस वक्त उसने कहा था कि ठीक है दोस्त तक, मैंने कहा चलो सही है दोस्त सही तो दोस्त सही। बाद में इसको कोई ख्याल आया कि चलो एक दफ़ा इसने पूछा था शायद एक दफ़ा ट्राई कर लेते, उसने दोबारा पूछा मेरे से, मैंने कहा मैं वापस नहीं जाता। लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं कुछ सोचते हैं। लेकिन अब वो मुझे पॉइंट मारता है कि 7 years के बाद मैंने खुद जाकर उसे कहा कि यू आर स्टिल अप फॉर दिस, सो आई वाज द वन हु वेंट टू हिम।
उसकी शादी हो गई है which is very funny actually. मतलब मैं उसको पहले भी कैसे सोच लो बड़ी बड़ी चीज़ होती है शादी, मजाक नहीं शादी करो. जी देखिए बस शादी तो होनी होती है, अब शादी हो गई तब हम क्या कर सकते हैं, जाना तो सबने, इसने भी जाना है शादी करके. I think the happiest memory was there were a lot of times where AB would be like, यार मेरी शादी है प्लीज कर दो, शादी सिर्फ एक दफा होती है. बस क्योंकि दोनों बच्चे ही बहुत खुश थे, सालिया भी अब्दुल्ला भी, इसलिए हम भी मुतमईन थे और हमें कोई ऐसी फीलिंग नहीं, खुशी की फीलिंग ही थी. बस बेटे अल्लाह मियाँ उनके लिए आसानियाँ करे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए. ये साले की साड़ी अब देख लो. मैं एक पढ़ा हुआ नीचे, एक रहता नीचे.